हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे एक आईटी कंपनी की जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है और बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे ये कंपनी मिल रही है। ये अगर शेयर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो आईटी सेक्टर जब भी भागेगा तो ये कंपनी भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। ये कंपनी आईटी सेक्टर के जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो सभी बनाने का काम करती है। इनके क्लाइंट्स इंडिया में और एशिया पैसिफिक रीजन में फैले हुए हैं। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 49 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 129 रुपीज़, और इसका 52 वीक लो था 48 रुपीज़, मतलब अपने 52 वीक लो के आसपास ही मिल रहा है। ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। दिसंबर से शेयर जो भागना शुरू किया था 48-49 के लेवल से, तो डायरेक्ट पहुंच गया था 130 तक, जो कि अभी फिर से मिल रहा है वही लेवल पर 49 रुपीज़ पर। इसका पी है ओनली 5 का, जो कि अच्छा पी है। ईपीएस है 10 का, जो कि बहुत ही शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.05, कंपनी पर डेट नहीं के बराबर है। कंपनी का बुक वैल्यू है 402 रुपीज़, हमें मिल रहा है 49 में। ग्राहम नंबर है 295 रुपीज़, हमें मिल रहा है 49 में। इंट्रिंसिक वैल्यू है 340 रुपीज़, हमें मिल रहा है 49 में। सब एंगल से काफ़ी अच्छा शेयर है ये। प्रोमोटर होल्डिंग है 30% और प्रोमोटर्स ने पिछले 2 क्वार्टर में अपना स्टेक बढ़ाया है। FII का होल्डिंग है 1.65%, DII का होल्डिंग है 0.22%। बात करेंगे क्वार्टर रिजल्ट की, तो मार्च 2021 में प्रॉफिट था 3,40,00,000 रुपीज़। December 2021 में प्रॉफिट था 3,35,00,000 रुपीज़ एंड March 2022 में प्रॉफिट आया है 1,72,00,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट इसका मार्च में घटा, ऐसे कारण शेयर में भी इतनी गिरावट आई है और वैसे भी आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। बट इसका जून क्वार्टर अगर 3 करोड़ के आसपास आ गया तो फिर से शेयर ऊपर जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा शेयर है, डेट फ्री शेयर है। तो आप थोड़े बहुत शेयर इस गिरावट में बाय करके चल सकते हैं। जो लोगों ने हाई रेट में लिया हुआ है उनको होल्ड करना पड़ेगा। Q1 का रिजल्ट अगर इसका अच्छा आया, जो बेहतर आएगा, 3 करोड़ से 4 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, तो ये शेयर फिर से ऊपर जाते हुए दिखेगा। बट ओवरऑल जब भी आईटी सेक्टर के शेयर्स ऊपर जाएंगे तो ये शेयर भी ऊपर ही जाते हुए दिखेगा। अभी आईटी सेक्टर ओवरऑल गिरा हुआ है, इसीलिए ये शेयर गिर रहा है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट शेयर है फॉर आईटी सेक्टर। थैंक यू फ्रेंड्स।